मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने शनिवार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर बजौरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव व किसान मेले की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य को किसानों के खेतों व बगीचों तक पहुंचाए ताकि किसान व बागवान आधुनिक तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि डॉ वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के बजौरा स्थित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का कुल्लू जिला सहित जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसानों व बागवानों को फलों की नवीनतम तकनीक उपलब्ध करवाने के साथ साथ कृषि व बागवानी में विविधीकरण में अहम भूमिका निभाता है। कुल्लू जिला बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है तथा सेब सहित नाशपाती अनार व अन्य स्टोन फ्रूट को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इससे किसानों की आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने वैज्ञानिकों व बागवानी विशेषज्ञों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी से संबंधित शिविर लगाने का आग्रह किया ताकि बागवान विश्वविद्यालय के अनुसंधानों का अधिक लाभ ले सके। प्राप्त हुआ कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी का जो 39वां यहाँ पे जो फाउंडर्स डे है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे बजौरा में जो ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो हमारे जितने साइंटिस्ट हैं और अग्रणी बागवान संगठन है उसके साथ में जो उत्कृष्ट जितने भी यहाँ पे किसान बागवान हैं सब ने अपना समय निकालकर, स्कूली बच्चों ने समय निकालकर इस किसान दिवस को एग्रीफेस्ट के रूप में मनाया है। मैं समझता हूँ कि हमारे हिमाचल के लिए जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा जो अभी भविष्य है और ऐसे में जो ये वैज्ञानिकों ने जो जितना भी शोध कार्य किया है इन जो किसान दिवस के माध्यम से वो शोध कार्य जो है बागवानों तक, किसानों तक पहुंच रहा है। मैं इस खास दिवस की इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले वक्त में जो जो यहाँ पे इस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एक्सटेंशन सेंटर है हॉर्टिकल्चर का जो हमारा ये है, इसमें जो जो कमियां हैं उसके ऊपर मैं सरकार के समक्ष इन बातों को उठाऊंगा और मैं बहुत बेहतर भविष्य देख रहा हूं कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में है बहुत बड़ा भविष्य हिमाचल का है। वहीं सहायक निदेशक बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा डॉक्टर देवीना वैद ने अनुसंधान केंद्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ने जो डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी का जो स्थापना दिवस है 39वां उसको मनाने के लिए आज हमने यहाँ पे एग्री फेस्ट एवं किसान मेला जो है उसको मनाया है। यह जो एग्री फेस्ट एंड किसान मेला है हमारी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चला हुआ है जो कि हम ये कहते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और ये हमारे हर एक केंद्र पे, हर एक कॉलेज में मनाया जा रहा है। हमने ये सोचा कि आज हमारा फाउंडेशन डे है तो इसी दिन हम इसको मनाते हैं। तो 13 स्कूलों को जो हमारे कुल्लू और मंडी जिला से जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं वहाँ से हमारे लगभग 100 बच्चे हमारे पास आए हुए हैं और उन बच्चों को हमने विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया था। उसमें ड्राइंग, डेक्लामेशन, मॉडल प्रिपरेशन और जो कि हमारे बागवानी, वानिकी और पर्यावरण के ऊपर उसके टॉपिक्स थे उसके ऊपर हमने इनका प्रतिस्पर्धा करवाई और उसमें हम जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़ निकाल करके और कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन इसका मकसद था कि बच्चों को अपनी हॉर्टिकल्चर की जो है और बागवानी और वानिकी की जो एजुकेशन है उसके प्रति जागरूक करना। तो हमने इनको इनाम में भी हम इनको जो हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वही हम इनको इनाम में दे रहे हैं।